आज ये जो हंगामी तौर पर आपको मुझे तकलीफ देनी पड़ी, मसला ये है कि 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात मुनक़द हो रहे। मैं सबसे पहले अपनी जमात की तरफ से भी दीगर जमातों की तरफ से जो अपोजिशन ने मुश्तरक तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि हम एक ही वक्त में सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाब लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं, बजाय 27 के कल भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये इल्ज़ाम के जी हम भागना चाहते हैं ये बात नहीं है, बात यह है कि इंतखाबात होते फेयर एंड फ्री तरीके के साथ। हमें जनरल इलेक्शन का भी मुझे पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, उसका भी मेरे में वो इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। गुजारिश ये आपसे करना चाहता हूँ कि ये देखें, बात यह है कि एकदम इल्ज़ाम लगा देना कि जी अपोजिशन नहीं चाहती, मसला ये है कि प्रॉब्लम पैदा हुआ था हल्का बंदी ऊपर से, हाई कोर्ट में केस चलते रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहे, हल्का ये रहेगा नहीं रहेगा, टूटेगा बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कि वाम पैदा रहा। और ये भी हुआ कि जी 10,000 से नीचे की सारी यूनियन कौंसिलें ख़त्म, फिर ऊपर से आर्डर आया नहीं जी वो भी बहाल है, तो ये एक वाम रहा कि जी हल्का बंदियाँ किस तरह होंगी। इस वजह से जो है एक मुश्किल रही और उसमें ये टाइम लंबा लग गया, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अपोजिशन पार्टियों का, ये हुकूमत की गलत जो उसने जो दी थी अपना वार्ड के हवाले से, अर्बन और रूरल के हवाले से आबादी का तनासब, उस वजह से सारी खराबी पैदा हुई। गांव टूटे बेड़ा गर्क हो गया, लोगों के हल्के ख़त्म कर दिए गए, जो उनको कई अरसे से जो उनके अपने मेंबर मुंतखब करते थे उनका हक़ नुमाइंदगी ख़त्म हो गया। बहरहाल अब चूँकि ये हो गया, आज भी मैं सुन रहा था सुबह के चीफ इलेक्शन कमीशनर कहते जी हमने सारे इंतजाम कर दिए, ये बल्ब जल रहा है, कोई तरबेला में बना हुआ पावर हाउस, कोई बंगला में बना, कोई किस जगह बना है, इसके ऊपर अरबों रुपए की वो लाइन लगी हुई है। फाइनल रिजल्ट क्या, इस बल्ब में से लाइट आती है, यानी पानी दरिया का पानी है, अपना आपने वो डैम बनाए हैं उसको लाइन लगाई है, ग्रिड स्टेशन बनाए हैं, फिर लाते हैं आप, फिर HT से LT करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगते हैं, फिर आके आपके पास ही लाइट पहुँचती है। अगर ये लाइट ही ना जले, पीछे आपने सारा इंतज़ाम किया हो तो उस लाइट का तो कोई फ़ायदा ना हुआ, बिजली का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बात यह है कि असल मसला ये है कि इलेक्शन वाले दिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, ये है असल मामला। हम ये चाहते हैं कि 27 तारीख को फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ना ज़िला वाइज तो ना डिवीज़न वाइज। लोग कहते हैं जी कि KPK में हुए थे इसमें ये डिवीज़न वाइज, 1.5 महीने का वक्फा था दूसरे मरहले में, और जब पहले मरहले में कि इसमें PTI को शिकस्त हुई, अगले 1.5 महीने में उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके रिजल्ट को अपने हक में कर लिया। अब गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये छोटा सा मुल्क है आज़ाद कश्मीर है, 29.5 लाख इसका वोटर है, 13,000 किलोमीटर इसका रकबा है। अलबत्ता जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस वो इतनी नहीं है कि वो एक एक सिपाही भी जो है कि पुलिस स्टेशन पर नहीं खड़ा कर सकते, 10,000 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13,500 ने जो है वो कागजात जमा किए थे, तो अब जो लड़ने वाले लोग हैं वो 10,500 हैं, सिर्फ टोटल जो होगा 46 आदमी बिला मुकाबला में, तो वो भी लोकल कौंसिल में। अब बात यह है कि इलेक्शन के दौरान ही आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने धांधली शुरू कर दी है। अभी वज़ीर आज़म साहब ये उनके, मैं अभी जा रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन में, ये लोगों को शामिल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं, उनको रिश्वत देते हैं, ये सारा कुछ है, ये इनका जो कच्चा चिट्ठा ये है जनाब। अब बात ये है कि इलेक्शन जो है इसका जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी सरियन जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है इस वक्त, और रिश्वत जो है वो लोगों को में बांटी जा रही है इसको कि वो करें। अभी उन्होंने ये जो हल्का नंबर 5 है खावड़ा, इसमें उन्होंने कहा जनाब इनका इजलास बुलाया, कहा जी 2 तहसीलें दूंगा मैं उस एक हल्के के अंदर, वो उसकी वीडियो मौजूद है हमारे पास, ऑडियो मौजूद है, आप भी अगर सुनना चाहें सुना सकते हैं, उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन में जाना है। नालागढ़ पर से जो है वो रोड की तामीर, वो जो बना रहे थे अपना वो उस वाले नीलम उस वाले क्वाला और उस वाले जो है वो बिजली वाले जो बना रहे थे, फिर 5-5 लाख की स्कीमें, शनीद खिचिली में वाटर सप्लाई स्कीम, दूसरी यूनियन कौंसिल है लिछराट में वाटर सप्लाई की स्कीमों का लाना, सिवरेज लाइनों को, बटंगी में डिस्पेंसरी। मैं आपको छोटी छोटी बातें, माजर कैंप बाईपास बना रहे हैं जी, में एक बाईपास बना रहे हैं, माजर कैंप पसनाड़ा संत स्कूल जच्चा बच्चा सेंटर, इसी तरह से ये सारी जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। फिर अभी नया कलान है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जी अमन कमेटियाँ कायम करनी है,
अमन कमेटी बनती है जंग में, जिस इलाके में जंग लगी हो, तो उसके बाद जब बाली होती है, लोगों को दोबारा आबाद करना होता है, तो उसके लिए अमन कमेटी बनाई जाती है। यहाँ हमने जंग की जंग करवानी है इसके लिए, और फिर लिखा कि वो जो डीसी उनको नामजद करेंगे वो उसके पाबंद होंगे। भाई वो कोई सरकारी मुलाजम है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग होंगे। फिर ये जो शरफा की लिस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ये उनके अपने टाउट होते हैं पालतू जो होते हैं, क्या नाम है, उनकी शरफा की लिस्ट ही होती है, गांव के अंदर सारी जगह होती है, वो कोई अवामी नुमाइंदे नहीं होते वो। और फिर यह है कि सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही है, वो कैसे आपस में जो है ये बात करेंगे। मैं देखे, ये एक होता है यूटोपिया ख्याली एक ममलकत, ये ज़मीनी मामलात है यहाँ पर। मैं दावे से कहता हूँ कि आप पुरअमन इलेक्शन मुजफ्फरबाद शहर में नहीं करा सकते, मीरपुर में नहीं करा सकते, यारबन एरिया कोटली में नहीं करा सकते, रावला कोट में नहीं करा सकते, अगर वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद ना हो उसकी एक मुनासिब तादाद। अब ये इस तरह की जो बातें हैं, इससे जो है मैं ये समझता हूँ कि ये एक इलेक्शन में ज़बरदस्ती जो है वो पीटीआई की हुकूमत जो पिछले 1.5 साल में कुछ कर नहीं पाई है, इसलिए वो उनको प्रॉब्लम का शिकार है। कभी कहते हैं जी ज़िला वाइज करेंगे, कभी कहते हैं डिवीजन वाइज करेंगे। ये जो ऐलानात, मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, मैं अपने सबूत के साथ ये बातें कर रहा हूँ, ये खिलाफ वर्जी है। गुजरा जा रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये इधर अपना लिपे में AEO जो है बैंक पर तालीम का, वो मैंने दिया भी है उनको इलेक्शन कमीशन को, वो जाकर कागजात दावेदारी जमा करा रहा है जज इसके पास, रिटर्निंग अफसर के पास से कैंडिडेट के। यानी ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, ये कोई इलेक्शन तो ये फिर इलेक्शन ना हुए ना, ये तो सिलेक्शन हो गई। बहरहाल हम हर सूरत में इनका मुकाबला करेंगे, हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जी नतज क्या निकलते हैं, हमने अपनी तरफ से जो है वो लोगों के हक़ राय दही के उसको जो है हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हम खुद आज़ाद की उससे मुतालबा करते हैं कि वो जो है। अब बात यह है कि हमें यकीन दिलाया गया, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं, भाई यकीन क्या दिलाया गया, आपके पास 100% ये मामला होना चाहिए कि हाँ जी इतनी बात हो गई है। अच्छा जी, हमने 1 अरब रुपया खर्च कर दिया, वो किया किसके लिए, 27 तारीख के लिए किया आपने, 27 तारीख को इंतजाम ही ना हो तो आप 10 अरब रुपया लगा देना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। असल मसला कि इलेक्शन वाले दिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, बगैर किसी खौफ के और इत्मीनान के साथ लोग अपने वोट को कास्ट कर सके। अब चूंकि ये असम्बली का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल वार्ड के इलेक्शन है, इसमें जो है ना ज़्यादा एक होती है मुखासमत भी होती है, और इसके अंदर जो है ज़्यादा जो है ना वो सरगर्मी भी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, एक ही बार आज़ाद कश्मीर के अंदर 27 तारीख को हुकूमत आज़ाद कश्मीर वो तमाम ज़रूरी जो है जो इंतजाम है वो 32,000 या 36,000 जो है लॉ इन्फोर्समेंट के लोग वो इकट्ठे करें, जमा करें और इलेक्शन कराएं, उसके लिए हाजिर है। अलबत्ता ये जो लिखा है वज़ीर आज़म साहब ने कहा मेरे पास बी ऑप्शन भी है तो सी ऑप्शन भी, आप कौन है बी ऑप्शन तो सी ऑप्शन बताने वाले, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, यानी उनका इख्तियार तो नहीं है, उन्होंने सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देनी है। वो क्या नया इंतखाबी जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, यानी अजीब बात है ये है कि जी हमारे पास बी ऑप्शन भी है तो सी ऑप्शन भी है, वो क्या है धांधली का ऑप्शन है आपके पास, उनके शायद इलम ही नहीं है कि उन्होंने ये बात ही नहीं करनी है वज़ीर आज़म। उन्होंने ये बात देखें, बात यह है कि चीफ इलेक्शन हमने वज़ीर आज़म साहब को कह दिया, भाई वज़ीर आज़म साहब को कह दिया जब अपने हुकूमत को कहना है, वज़ीर आज़म ने नहीं कर रहा है काम, ये हुकूमत ने कर रहा है, यहाँ फ़र्क है इस बात में, ये कोई कैबिनेट मीटिंग तो नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट ने कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव वही हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए और बहुत सारे उसके अंदर जज्व होते हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो तश्कील होती है। अब ये मेरी समझ से बालातर है बी ऑप्शन सी ऑप्शन, और दूसरा ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा जी अमन कमेटी है जो उसका नोटिफिकेशन है वो पाबंद हो गए, भाई वो सरकारी मुलाजम है, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो इलेक्शन कमीशन के मुलाजम हैं, वो पाबंद होंगे, सियासी जमातों के कारकुन होंगे। अच्छा उनकी उनको उनका इंतखाब कैसे होगा, यानी आपने मतलब है किस 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 तरह के लोगों का आप इंतखाब करेंगे। अब मतलब सिर्फ ये तो नहीं मैं और इशफाक जफर साहब जो है हर जगह पर होंगे कि जी हमारा इंतखाब होगा जी, तो ये बड़ी मतलब है ये फिर इलेक्शन तो नहीं है ये, मेरा ख्याल है मैंने उस दिन भी उनसे कहा था मैं इलेक्शन कमीशन गया था, आप शायद इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे, आप दफ्तर में बैठे हुए मतलब है कि ये किस तरह की आप बात करते हैं। मैंने अभी जाना उनके पास, मुझे अफसोस भी है, वो सारे तजर्बाकार लोग हैं और उसको जो है ये वज़ीर आज़म के पास नहीं इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के पास क्या करना है।
तो ये मेरी आपसे मुख्तसर गुजारिश है। आपने ये सवाल किया है कि लोग भी कह रहे हैं कि जो पार्टीज हैं वो चुप नहीं होने देती, और उनका सवाल ये भी है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते कि गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रदान करे। कौन लोग कह रहे हैं? कौन हुकूमत और वो मिलकर? हुकूमत और अपोजिशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी से ऑप्शन में है, एक मुत्तफिका इकरार दे दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि गवर्नमेंट पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रदान करे इलेक्शन के लिए। मेरा क्या काम है? अजीब बात है ये, फिर हुकूमत हमारे वाले करें? मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना। देखे ना, बात यह है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि लोगों को ले जाना वहां पर जाकर वोट डालने। हमें इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा जी जमाती बुनियाद पर इंतखाब होंगे, हमने टिकट भी जारी कर दिए जमाती बुनियादों पर, हमने अपना काम कर दिया हुआ। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, आपकी जी 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 आप अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से ये बात कहते हैं कि वो आजाद कश्मीर में फेयर इलेक्शन के लिए आजाद कश्मीर के वजीर आजम की जबान पर छाले तो ना लिखे ना, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। वो जो जिम्मेदार है वो मैं जिम्मेदार हूँ? ये बात है ये कि जी फलाने पार्टी की कुलिशन पार्टी की हुकूमत है पीडीएम की जी, या पीपल्स पार्टी साथ है, वो पीडीएम का हिस्सा तो नहीं लेकिन वो कुलिशन हुकूमत है, ये हमारी जिम्मेदारी। वजीर आजम जाए ना, क्यों नहीं मिलता जाकर वजीर आजम पाकिस्तान से, खुद क्यों नहीं मिलता जाकर? अच्छा सर, इस चीज़ की बात है, ये बताएं कि आप पहले भी इलेक्शन कमीशन को मिले हैं और आपने पहले भी शिकायत की है कि जो है ना मुदाखलत हो रही है, अभी आप दोबारा भी जा रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट नहीं लेता इलेक्शन कमीशन तो फिर क्या लाएगा? मैंने कहा हम हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वहाँ पर कोई जो नुकसान अगर हुआ उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आजाद कश्मीर हो, अगर किसी जान और माल को नुकसान। छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, एक तो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा कि क्या आप लोग अपनी हैसियत में, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन और आप भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जाती हैसियत में आप वफाक से या अपने लोगों नहीं जाती है कहेंगे ये जी बात मुझे नहीं समझ आती क्या नहीं, ये आपको किससे बात दिमाग में डाली है? जो नहीं आता आप जी बात करते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी हम पर डालना चाहते हैं। हमने कोई लिखत पढ़ा था कि हमने उनको कहा कि आप इलेक्शन ना करवाएं? हमने कभी उन किसी को कहा कि आप यहाँ लॉयर फोर्सिंग एजेंसी ना भेजें? आप हुकूमत की जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं सियासी जमातों पर, वो इलेक्शन करवाने हैं भाई। सर परसों प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अपोजिशन की वजह से, जो कि वफाक में थी उनकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर है वो वजीर दाखिला तक नहीं पहुँच सका अपोजिशन की चालों की वजह से। वजीर आजम को पता है कोई नहीं है, तीन दिन सो गया रहता है, मैं आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप इलेक्शन होते देख रहे हैं आजाद की? जी मैंने आपसे अर्ज किया कि हम तैयार हैं 27 तारीख को फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए, एक ही वक्त में आजाद कश्मीर में सारे में इलेक्शन हो, बर्फ पड़ी है फिर भी हो इलेक्शन, बेशक बर्फ पड़ी है फिर भी इलेक्शन हो, 10 वोट भी पड़ जाए वो भी काफ़ी है, हम इस बारे में बिल्कुल तैयार हैं। अभी मेरी पार्टी का सदस्य उसका केल है बैठा हुआ, बल्कि उधर जा रहा है आगे, मैं भी निकलने लगा हूँ कल से, सारे लोग निकले हुए बाद हम वैसे ही फिर रहे हैं। अगर हम सीरियस नहीं हैं तो हम ये किस लिए ये मश कर रहे हैं सियासी जमातें, टिकट किस लिए दे रहे हैं, लोगों की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, बिठा रहे हैं हमसे लोग नाराज भी हो गए जिनको नहीं दिया, ये मश हम फिर क्यों कर रहे हैं, हम फिर चुप करके घर बैठे रहते हैं। एक और क्वेश्चन भी है कि जाब्ते अखलाक के हवाले से कुछ जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ऐलानात कर रहे हैं तमाम इलाकों में, तो क्या ये जाब्ते अखलाक? जी मैंने यही पढ़ा, अभी आप शायद लेट आए, ये सारा है जो जाब्ता अखलाक की, जो इधर मुझे मुजफ्फरपुर डिवीजन की जो इतला मिली, अभी मुझे पुंछ का नहीं पता और मीरपुर डिवीजन का नहीं पता है, और वो भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जाब्ता अखलाक की, और इलेक्शन कमीशन ने ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया ना, इसका सिर है ना इसका कोई पांव है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया, क्यों करें बरेला वाइज पूरे कराए ना, क्यों सिक्योरिटी कम मिलती है, करें ना इंतजाम करें ना हुकूमत। ये बताएं कि आपने और पीपल्स पार्टी ने बाकी सियासी जमातों ने इस पे कोई मशवरा किया है कि मरहला वाइज जो है वो ना, हमने मुस्तरद किया, हमने उसको मुस्तरद किया होगा, सब ने मुस्तरद किया, अभी लतीफ अकबर साहब और मैं यहाँ बैठे हुए थे। इमरान खान साहब से आप कुछ कहेंगे कि वो लॉन्ग मार्च को अगर कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दें तो यहाँ सिक्योरिटी का मसला हो सकता है? सबसे आसान काम है ये जो वजीर आजम उसके, वो जाकर उसको रिक्वेस्ट करें कि आप 27 तारीख के बाद करें लॉन्ग मार्च, आपकी पार्टी की तरफ बोलते हैं हम यहाँ पर जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे आजाद कश्मीर, वो जाकर के ना मेरा क्या काम है? सर इस वक्त पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है और क्या आप कोई मदद के लिए सिक्योरिटी काम करने के लिए कोई कोशिश करेंगे इनको? नहीं, मेरी हुकूमत बिल्कुल नहीं है फारूक आदर की, फारूक आदर की हुकूमत नहीं है, किसकी है? आप इमरान के कह रहे हो, आप नहीं कह रहे क्या? नहीं नहीं
और मेरा क्या काम है भाई, ये किस लिए बैठ, देखो मेरी बात सुने, अगर मेरी आप देखे, एक तो आप बहस नहीं कर सकते सवाल पर, सवाल पर नहीं नहीं सुन ले ना, आप बहस नहीं कर सकते। अच्छा, गुजारिश ये है, ये जो वजीर आजम है ये किस लिए है, अपना ये चीफ सेक्रेटरी किस लिए है, आई जी किस लिए है, आई जी पी उधर से ही आया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी भी वहीं से आया हुआ है, ठीक है जनाब। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज़ाद फिर के वज़ीर आज़म हैं, जिस तरह भी हैं बहरहाल, ठीक है, कैबिनेट है उनकी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है या मेरी ज़िम्मेदारी है, आप उसकी कल खुदा ना खास्ता को मिस ऐप हो जाए और मैं ज़िम्मेदार हूँगा उस सारी बात का, मैं कैसे ज़िम्मेदार, जब मेरे पर ना मेरे पर कोई आईनी इसका ज़िम्मेदारी पड़ती है ना कोई कानूनी पड़ती है, कल कोई मिस ऐप हो जाए, कल कहेंगे हाँ जी इन्होंने कहा था ये नहीं कर सके और ये नुकसान हो गया। देखिए अपना मीर साहब, आपके सामने पीर मुमताज़ साहब का भांजा कत्ल हुआ था, ठीक है, हमारे हलके में भी हुआ था 87 के बल्दाज में, कौन उसका जिम्मेदार है, उसके माँ बाप को कौन जाकर करेगा। सर एक असर साहब ये भी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं इस बात को बस ना लीजिएगा, मैं जनरल एक परसेप्शन अब आपके सामने रखना चाहता हूँ, सवाल पूछना मेरा राइट है, आप चाहे जवाब दें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक गैर एलानिया इस बात पे इत्तेफाक है कि इस अमल को इस हद तक समुदाज किया जाए, मुतनाजा बना दिया जाए कि ये 31 साल के बाद भी ना कोई भी अपने इख्तियार और इक्तदार से दस्तबरदार नहीं होना चाहता, उनके बेटों की उनके अजीजों कारों के आने वाला सियासी मुस्तकबिल दांव पे लग जाएगा, इसलिए कोई रोल भी प्ले नहीं करता। इसकी वजह ये बलदियाती निज़ाम कायम, इलेक्शन हो जाते हैं, वज़ीर आज़म का इख्तियार उसको मिलेगा, इसको जाएगा इसके पास ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के पास, ठीक है, असम्बली के मेंबर का कानून उसके पास जाएगा। ये जो है ना इख्तियार की मुंतकिली, इख्तियार की मुंतकिली, ये एक गलत बात लोगों के दिमाग में डाली, बात यह है कि ये जो लोकल बॉडीज़ का जो या लोकल जो मकामी हुकूमत का जो तस्वर है उसमें मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत, यह है वो बुनियादी बात, ठीक है। नहीं मैंने किसी अपने बेटे को यूनियन को सुन मेरी बात, मेरी सुन ना, वो कहते हैं ना किसी ने नहीं लड़ाना उसको, ना मैंने लोकल कौंसिल का इलेक्शन लड़ाना तो ना मैंने ज़िला कौंसिल का लड़ाना कि मैं किसी का रास्ता रोक रहा हूँ। बात यह है कि ये एक देखें, मैं आप सर कुछ थोड़ा आप भी कुछ ज्यादा कर जाते हैं, जो बात अब उन्होंने कहा आज वज़ीरान चीफ ये यूथ को इख्तियार मिल रहा है, वह यूथ की एक सीट है टोटल, यूथ को इख्तियार मिल रहा है, यूथ ने पिछले इलेक्शन में वोट नहीं डाला, एक साल पहले क्या हुए पहली बार डालने लगे 18 साल की उम्र के, यानी ये बात है, एक साल पहले वो इलेक्शन में राज्यसभा में वोट ही डाला उन्होंने, क्योंकि उनको वोट डालने के अख्तियार मिल रहा है, अजीब बात है वोट डालने के अख्तियार मिल रहा है, अच्छी बात है। बात सिर्फ मेरी गुजारिश हल्ले में आज भी आपको सियासी तरबियत सियासी जमातों की क्यादत किया करती है, जो बदकिस्मती से अब वो अमल ख़त्म हो चुका, अब वो लोग ही नहीं रहे जो तरबियत करें, अच्छी बात है कि ये लोग आए। बस मैंने स्टूडेंट यूनियन की हमने पाबंदी उठा दी थी, मैं वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन मौजूद है, आगे उस पर अमल दरामद करना था, वो नहीं हो सका। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन पर से पाबंदी जो है उसको इलेक्शन करवाए जाएं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए जाएं, ये ज़रूरी नहीं कि लोकल बॉडी वाला असम्बली में जाएगा, ये कोई लिखित पड़ी बात नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी होती है वो आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, चलिए एक निचला मरल है उधर से लोग ऊपर जाते हैं। मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम कतन इस बात को ये एक ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये भी सियासी जमातों से है ना, ये कोई आसमानी मखलूक है, हमारी पार्टी के लोग हैं ना, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई हमारी पार्टी का होगा, कोई पीटीआई का होगा, कोई जमात स्वामी का होगा, कितने लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं बगैर किसी सियासी जमात की उससे बाहर हैं, हमारे ही लोग हैं ये, तो हम अपने लोगों का रास्ता क्यों रोकेंगे। तबसरा करता है तो हमारे सियासी कहते हैं कि ये इनका तबसरा करने के इख्तियार नहीं है, अगर हम आपसे कोई राय पूछे तो क्या आप किसी बात पर राय देंगे। मैं आप चूंकि माशाल्लाह सीनियर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पर आपकी नज़र भी है, अगर 27 नवंबर को इंतखाबात हो जाते हैं जी, उस सूरत में आप क्या समझते हैं पार्टी पोजीशन क्या रहेगी, आपकी क्या राय? मैं तो कहता हूं मेरी पार्टी की नहीं, मतलब तो आप एक ईमानदाराना गैर जानबदाराना एक सियासी साबिक वज़ीर आज़म देखें बात क्या है, आपको देख भी रहे सुन भी रहे, आप क्या समझते हैं पार्टी पोजीशन क्या रहेगी? मेरा ख्याल ये था, मैं बता रहा हूँ, मैं बात सुन, मेरा ख्याल ये था जो हमने खिदमत की है और हम जो है स्वीप करेंगे 2021 का इलेक्शन, नतज बरक्स आए, ठीक है, यानी अब ये इधर हुकूमत समिति होगी कि हमारे पास हुकूमत पता नहीं नतज के आए, क्योंकि इन्होंने हमने तो काम किया हुआ था, मैं जिस पर मुझे दुख भी है जिस बात का कि लोगों ने हमारे साथ वो इंसाफ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था,
اب یہ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ انتخابی نتائج کیا ہوں گے, لیکن جو بھی ہوں گے فیئر اینڈ فری الیکشن میں ہم اس کو قبول کریں گے, بے شک ہمارے خلاف بھی.